महाराज, मैं अपनी कर्म भूमि विजयनगर त्याग कर अपनी जन्मभूमि अपने गांव तेनाली सदैव के लिए वापस लौट जाना चाहता हूं। हाँ महाराज, मेरी जन्मभूमि को मेरी आवश्यकता है। मैंने अपनी कर्मभूमि विजयनगर में अपने प्रत्येक कर्तव्य का निर्वहन किया है, किंतु अब मेरी जन्मभूमि मुझे पुकार रही है महाराज, और मैं अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं फेर सकता। मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा करना चाहता हूँ महाराज। मैं अपनी जन्मभूमि को भी सुखी और समृद्धशाली बनाना चाहता हूँ। वहां के नवयुवकों का मार्गदर्शन करके उनका भविष्य और सुनहरा बनाने में सहायक होना चाहता हूँ महाराज। अब मैं वो दिन देखना चाहता हूँ महाराज, जब मेरे गांव तेनाली से, जहां से मैं आया हूं, मुझ जैसे और पंडित रामाकृष्णा निकले। इसलिए मुझे विजयनगर से प्रस्थान करने की अनुमति देकर अनुग्रहित करे महाराज। पंडित रामाकृष्णा, ये किस प्रकार का उपहास कर रहे हैं आप हमारे साथ? नहीं, भला ये भी कोई पुरस्कार होता है? इससे अच्छा होता कि आप हमसे हमारा राजपाट मांग लेते। आप समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? आपके बिना ये राजदरबार नहीं रह जाएगा, विजयनगर नहीं रह जाएगा। आपने वचन दिया है महाराज कि मैं जो मांगूंगा आप उसके लिए ना नहीं कहेंगे। उचित है, हमने वचन दिया है, पीछे नहीं हटेंगे। जाइए आप अपने जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि तेनाली। परंतु आपके जाने से पूर्व हम आपसे भी एक वचन लेना चाहते हैं। भविष्य में जब जब आपकी कर्म भूमि विजयनगर को, इस दरबार को और आपके महाराज, आपके मित्र कृष्णदेव राय को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको तुरंत यहां वापस आना होगा। आप मेरे लिए मेरे प्रभु भगवान श्री राम हैं, मैं आपका भक्त, आपके एक बुलावे पर आपका ये भक्त तुरंत उपस्थित हो जाएगा महाराज। आपका और मेरा तो हृदय का नाता है ना, आप मुझे यहां बैठकर पुकारेंगे, मैं आपकी पुकार वहां बैठकर सुन लूंगा और तत्क्षण उपस्थित हो जाऊंगा महाराज, तत्क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। जी गुरु जी, ये क्या है? ये तो पलंग है। वो क्या है? ये तो तख्त है। वो क्या है? डंडा। डंडा दिख रहा है? हाँ। हम दिख रहे हैं? हाँ। डंडा उठाओ और हमें मार। सच्चे? हम कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे? नहीं, तुम नहीं, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? पंडित रामाकृष्णा विजयनगर को त्याग कर तेनाली में बसने जा रहे हैं, इसलिए हमें डंडा मारो ताकि हमें ज्ञात हो जाए कि हम स्वप्न देख रहे हैं या ये वास्तविकता है। नहीं नहीं गुरुजी, हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चों, मारो, गुरु का आदेश है, मारो तो मारो, किंतु सुनो, थोड़ा धीरे मारना। जी गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। मनी ऐसे डंडा मार के गुरुजी का नानी याद आ जाए।
किसने मारा? उसने उसने धनी ने। हाँ। चल धीरे मारना। हाय। किंतु इस डंडा पढ़ने से हमें ये तो ज्ञात हो गया कि हम स्वप्न नहीं देख रहे थे। अभी तो ये वास्तविकता है कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर त्याग कर तेनाली में बसने जा रहे हैं। हाय गुरुजी, आप कदाचित भूल रहे हैं, वो पंडित रामाकृष्ण है, विद्वानों में विद्वान पंडित रामाकृष्ण। उसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। हाँ गुरुजी, कहीं इस बात के पीछे भी कोई और बात ना हो। सोचिए सोचिए गुरुजी। सकते क्या रहे हो तुम लोग? अवश्य पंडित रामाकृष्ण कोई नया प्रपंच रच रहे हैं, किंतु वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों क्यों क्यों? आई क्यों? हमें ज्ञात है महाराज कि आज पंडित रामाकृष्ण की विजयनगर छोड़कर तेनाली गांव जाने से आपके हृदय में अत्यधिक पीड़ा है। इतनी पीड़ा है कि आप छोटी महारानी के हाथ का बना बेस्वाद खाना भी बिना किसी प्रतिक्रिया के खाए जा रहे हैं। आप सत्य कह रही हैं महारानी, हम यही सोच रहे हैं कि हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण विजयनगर छोड़कर सदैव के लिए जा रहे हैं। महाराज, यदि आप ये जानते थे तो आपने उन्हें जाने की अनुमति ही क्यों दी? महारानी, हमने पंडित रामाकृष्ण के नेत्रों में उनकी मातृभूमि के सुनहरे भविष्य के चमकते हुए स्वप्न देखे। यदि पंडित रामाकृष्ण अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को, तेनाली गांव को एक समृद्धशाली स्वर्णिम गांव बनाने का स्वप्न देखते तो हमें उनका ये स्वप्न तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। जीवन में पहली बार उन्होंने हमसे कुछ मांगा, वो भी अपने लिए नहीं, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि तेनाली के लिए। हम उन्हें कैसे मना करते? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अपनी व्यथा किससे व्यक्त करें। हमारे परम प्रिय मित्र पंडित रामाकृष्ण हमें सदैव के लिए छोड़कर जा रहे हैं। खाइए खाइए, आपकी पसंद का ही भोजन बना है। अरे पायसम तो तूने खाया ही नहीं। ये ले खा, खा खा खा, थोड़ा सा और खा ले, थोड़ा और खा, खा खा खा, अरे थोड़ा सा और ले ले। अम्मा रुको, ये सब क्या है? क्या है का क्या अर्थ हुआ? तू मेरा पुत्र है, मैं तेरे पसंद का भोजन तुझे अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी तो और कौन खिलाएगा? नहीं 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 रुको, सत्य बताओ, इतने सारे लाड प्यार के पीछे प्रयोजन क्या है तुम दोनों का? सी बातें कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के हम आपको खाना नहीं देते क्या? नहीं नहीं देते हो, किंतु आज जिस प्रकार से दे रहे हो ना, उसके पीछे का कारण बताओ। ठीक है, तो कारण ये है कि हम तेनाली नहीं जाना चाहते, यही विजयनगर में ही रहना चाहते हैं। तो ठीक है, तुम दोनों रहो यही विजयनगर में, मैं अकेला तेनाली चला जाता हूँ। चला जाता हूँ का क्या अर्थ है? अरे उस तेनाली में रखा ही क्या है? एक सब्जी लेने के लिए 4 कोसों दूर जाना पड़ता है, पानी लाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, और तू उस तेनाली में जाना चाहता है? अम्मा, जिस संघर्ष के विषय में तुम बात कर रही हो ना, वहाँ के लोग हर रोज उस संघर्ष से लड़ते हैं, उन्हीं संघर्षों को समाप्त करने में वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझ पे विश्वास रख अम्मा, जो सुख सुविधा तुझे यहाँ प्राप्त हुई है ना, वही सुख सुविधाएं तुझे वहाँ भी प्राप्त होंगी।
और जो तुझे यहाँ प्राप्त हुआ है वो तू कैसे भूल सकता है। इस विजयनगर ने तुझे ऊंचा पद दिया, मान सम्मान दिया, ये घर दिया, हर प्रकार की सुख सुविधा दी और तू इस विजयनगर को छोड़ के जाना चाहता है। बस अम्मा, बस। माना विजयनगर ने मुझे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिया, माना कि विजयनगर ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके विषय में तुमने अभी कहा, उसके लिए मैं महाराज का और विजयनगर का सदैव आभारी रहूंगा। किंतु क्या तूने कभी ये सोचा है कि मुझे ये सब यहाँ क्यों मिला? क्योंकि ये सारे स्वप्न मैंने तेनाली में देखे थे, जिसे पूर्ण करने मैं यहाँ आया। तो जो तेनाली ने मुझे दिया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता अम्मा। तेनाली ने मुझे मेरी अम्मा दी जो मुझसे इतना प्रेम करती है। तेनाली ने मुझे वो स्त्री दी जो मेरी जीवन संगिनी बनी। तेनाली में तो मेरा बचपन बीता ना अम्मा। हम आज भी वहां अपना वो घर छोड़कर आए हैं जहां मेरा बचपन बीता है। आज भी उस घर में वो वस्त्र रखे हैं जो तूने अपने हाथों से मेरे लिए बनाए थे। वो घर अम्मा जिसका कण कण तूने अपने हाथों से संजोया था। आज उस तेनाली को मेरी आवश्यकता है। हम उस तेनाली को नहीं भूल सकते अम्मा, उसे नहीं भूल सकते। तेनाली को समृद्ध बनाने का कर्तव्य मेरा भी तो है अम्मा। क्या चाहता? कपड़े समेटते तेनाली जाएंगे ना, हम तेनाली जाएंगे, हम तेनाली जाएंगे। मत जाए पंडित रामकृष्ण जी। आप हम सबको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप चले गए तो इस विजयनगर का क्या होगा? विजयनगर को संकटों से कौन बचाएगा? आप सब बचाएंगे, क्योंकि जितना प्रेम मैं विजयनगर से करता हूँ उतना आप भी तो करते हैं ना। बस अपने नेत्र और मस्तिष्क खुले रखिएगा, और महाराज के रहते तो कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। किंतु पंडित जी, आप हमारे देवता हैं, आपको हम लोग पूजते हैं, आपके दर्शन नहीं होंगे तो हम लोग जी कैसे पाएंगे? मैं भले ही विजयनगर छोड़कर जा रहा हूँ, किंतु मैं सदैव आप सभी के मन में स्मृति बनकर रहूंगा। लेकिन आपके बिना विजयनगर अनाथ हो जाएगा। नहीं मित्र, ऐसा नहीं कहते। विजयनगर कभी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आप जैसे लोग बसते हैं। जहाँ आप जैसे लोग बसते हो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। और बस मैं विजयनगर छोड़कर जा रहा हूँ, किंतु न जाने कितने पंडित रामकृष्ण यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी में सोचने और समझने की क्षमता मुझसे अधिक है। तो बस स्मरण रखिएगा, जब कभी कोई प्रश्न या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ध्यान से सोचिएगा कि उसका निवारण कैसे किया जाए। उत्तर आप सभी को स्वयं मिलेगा, और तब आप लोगों को ज्ञात होगा कि आप सभी के भीतर एक एक पंडित रामकृष्ण है। यदि आप सबकी सहायता के लिए और विजयनगर पर आए किसी भी बड़े संकट को दूर करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़े, मैं अवश्य आऊंगा। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। हम भी आपसे एक बात कहना चाहते,
हम सदैव लोभावश रहे, आपको भी धन अर्जित करने की सलाह देते रहे, किंतु हमें गर्व है कि हमारे पति सबसे धनवान है जिन्होंने इनका प्रेम स्नेह और नपन अर्जित किया है, और इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की। मुझे भी गर्व है कि मैं तुझ जैसे पुत्र की माँ हूँ। पंडित रामा कृष्णा की, 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 पंडित रामा कृष्णा की। गुरुवर, ये पंडित रामाकृष्ण अभी तक आए नहीं। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा विजयनगर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये उनका कोई नया प्रपंच है महाराज। आप तो पंडित रामाकृष्णा को भली भांति जानते हैं महाराज, कि वो कैसे हैं। नहीं गुरुवर, ये प्रपंच नहीं, सत्य है। पंडित रामा कृष्णा की, 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 पंडित रामा कृष्णा की। ये देखिए, मैं तो सब परिवार अपने गांव के लिए प्रस्थान कर चुका था, तो आपसे भेंट किए बिना, महाराज और महारानियों के दर्शन किए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। प्रणाम महाराज। पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण, मार्ग में आपको भूख लगेगी, इसीलिए स्वयं अपने हाथों से हमने आपके लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। मार्ग में क्यों छोटी महारानी, मैं तो ये मिष्ठान अभी यही खाऊंगा। लाइए ना। लीजिए। अत्यंत स्वादिष्ट है। सच्ची? पंडित रामाकृष्ण, स्वादिष्ट है, फिर तो हमें भी खिलाइए। है ना स्वादिष्ट? अत्यंत स्वादिष्ट है महारानी। धन्यवाद। यही तो मानता है आपकी, कभी किसी का हृदय नहीं दुखाते, तो फिर हमसे क्या भूल हो गई मित्र, जो हमारा हृदय दुखाकर हमसे दूर जा रहे हैं। हम मेरे कारण आपका हृदय दुखा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, किंतु मैं अपने स्वार्थ अपने मोह के कारण अपने उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ सकता ना। तेनाली गांव को रामा की आवश्यकता है, और आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे प्रसन्नता पूर्वक अपना आशीर्वाद देकर विदा करें। एक क्षण। ये देखिए महाराज, ये आपके लिए। ये मेरे लिए, ये प्रतिमा आपके पास रहेगी और ये मेरे पास। जब कभी आपकी याद आएगी तो मैं इससे ही वार्तालाप कर लिया करूंगा। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा। गुरुवर, देखिए ना, सदैव की भांति आज भी पंडित रामाकृष्णा ने हमारी एक समस्या का निवारण कर दिया। हम सोच ही रहे थे
कि पंडित रामाकृष्णा के जाने के बाद दरबार में इनके इस आसन पर कौन विराजमान होगा। और गुरुवर, रोचक बात तो ये है कि ये वाले पंडित रामाकृष्णा दरबार कभी विलंब से नहीं आएंगे, और जब कभी हमें किसी समस्या का निवारण नहीं मिल रहा होगा, हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होंगे, तो पंडित रामाकृष्णा की यही प्रतिमा हमें उस समस्या का हल ढूंढने में सहायता करेगी। पंडित रामाकृष्णा, आपने समस्त संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी कर्मभूमि जितना ही महत्व, वही स्थान अपनी जन्मभूमि को भी देना चाहिए। अपनी मातृभूमि को जो सम्मान, जो महत्व आपने अपने जीवन में दिया है, उसी के कारण आज से ये संसार आपको पंडित रामाकृष्णा नहीं, अपितु आपकी जन्मभूमि, आपकी मातृभूमि के नाम से पुकारेगा। ये संसार युगों युगों तक आपको तेनाली रामा के नाम से पुकारेगा। तेनाली रामा की जय। 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 फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।